Hello student, welcome back to our science series for class 8. This is chapter number 5, that is coal and petroleum. In the previous video, we have completed the two topics, that is coal and petroleum, in detail. Okay, in today's video, we are going to discuss the natural gas. ठीक है, हम natural gas discuss करेंगे. Natural gas पढ़ने वाले हैं, क्या होती है natural gas. ठीक है, petroleum के हमने last video में पढ़ा था कि petroleum को हम black coal भी बोल देते हैं, क्योंकि बहुत जगह use होने वाली चीज़ है ये. ठीक है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, black coal बोल देते हैं, जिसकी commercial importance है बहुत ही अच्छी, जब काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम इसे black coal बोल देते हैं. natural gas, it is a gas. नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल. ये भी एक फॉसिल फ्यूल है. कीप इन माइंड, नेचुरल गैस क्या है, फॉसिल फ्यूल है. क्या है, फॉसिल फ्यूल है. बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप, पाइप के थ्रू आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसे, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है. नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कम्पेयर टू कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. नेचुरल गैस को हम किसकी फॉर्म में, अंडर हाई प्रेशर की फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और सीएनजी भी बोल देते हैं. तो सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. नाउ सीएनजी इज यूज फॉर पावर जनरेशन. पावर जनरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सीएनजी गैस का यूज करते हैं. इट इज नाउ बींग यूज एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल. जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं उनके फ्यूल के रूप में भी हम सी एन जी यूज़ करते हैं. बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, क्योंकि अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो पॉल्यूशन बहुत कम होगा. क्या होगा, पॉल्यूशन बहुत कम होगा. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ क्लीनर फ्यूल. इसलिए हम इसे बिल्कुल साफ फ्यूल भी बोल देते हैं, साफ ईंधन भी बोल देते हैं, क्योंकि जो नेचुरल गैस है उसका कंबशन कम्प्लीट होता है और वहाँ पर जो पॉल्यूटेंट्स हैं बहुत ही कम निकलते हैं. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड क्लीनर फ्यूल. द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सी एन जी इज़ दैट, सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा फायदा क्या है सीएनजी का, इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स. आप अपने घरों में भी एज ए बर्निंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हो सीएनजी को. ठीक है, किसी चीज को जलाना है तो हम सीएनजी की गैस की हेल्प ले सकते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस की हेल्प ले सकते हैं. एंड फैक्ट्रीज, और फैक्ट्री में भी हम इसे डायरेक्ट बर्निंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं. वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप, जहां पर हम इसे पाइप के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, सच ए नेटवर्क और पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा इन गुजरात. वडोदरा गुजरात में कोई जगह है, वहाँ पर ऐसे ही पाइपलाइन बिछाई गई हैं. सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, और कुछ दिल्ली के पार्ट भी हैं जहाँ पर सीएनजी की पाइपलाइन बिछाई गई है, और कुछ अदर प्लेसेस भी हैं इंडिया के अंदर वहाँ पर सीएनजी गैस की पाइपलाइन बिछाई गई है, जहाँ पर फैक्ट्रियों में यूज करते हैं सीएनजी का और घरों में भी हम यूज करते हैं सीएनजी का. नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग of number of chemicals and fertilizers. Natural gas एक रॉ मटेरियल है, यू कैन सी द स्टार्टिंग मटेरियल है किसके लिए, केमिकल के लिए और फर्टिलाइजर के लिए. ठीक है, केमिकल और फर्टिलाइजर बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, नेचुरल गैस की जरूरत पड़ेगी. बहुत सारे केमिकल और फर्टिलाइजर नेचुरल गैस के बिना नहीं बन पाएंगे. ठीक है, तो उनके लिए रॉ मटेरियल और यू कैन सी द स्टार्टिंग मटेरियल वो क्या होगा, नेचुरल गैस होगा. इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस, बहुत ही वास्ट रिजर्व है इंडिया के पास, काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट में नेचुरल गैस इंडिया के पास प्रेजेंटली है. इन आर कंट्री, हमारे देश में नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा. कहाँ कहाँ मिलती है, त्रिपुरा में मिलती है, राजस्थान में मिलती है नेचुरल गैस मीन्स उसे सीएनजी, मीथेन महाराष्ट्र में मिलती है, एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा, और कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा पर भी ये सीएनजी मिलती है, कंप्रेस नेचुरल गैस मिलती है. नाउ कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर इन लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म. अब भूजो पूछ रहा है कि कोयले को, पेट्रोलियम को और नेचुरल गैस को लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया जा सकता है क्या. नाउ पहले आंसर दे रही है नो, नहीं. देर फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस, जो इनकी फॉर्मेशन है बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इन्हें बनाने के लिए. एंड कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन लैबोरेटरी, और लैब के अंदर वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर क्रिएट नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से हम लैब के अंदर कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को डेड ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर नहीं कर सकते. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. कुछ नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है. क्या है,
लिमिटेड है हमारे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज, और वो क्या है वो पढ़ते हैं। यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्टेबल है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल हो गया, फॉरेस्ट हो गया एंड मिनरल्स हो गया। मीन्स टू से ये लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और अगर हम इनका एक्सेसिव यूज करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। यू नो दैट आपको पता है कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल। तो कीप इन माइंड कोल और पेट्रोलियम दोनों के दोनों क्या है, फॉसिल फ्यूल है। कोल एंड पेट्रोलियम दोनों के दोनों क्या है, फॉसिल फ्यूल है। तो फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल दोगे कोल एंड पेट्रोलियम। नाउ इट इज रिक्वायर्ड दैट डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। इन ये कैसे बनाए गए हैं, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए इन्हें कन्वर्ट करने के लिए, किसके अंदर, फ्यूल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, डेड ऑर्गेनिज्म को। हमारे अर्थ सरफेस पर डेड ऑर्गेनिज्म थे जो समुद्र के बिल्कुल बॉटम में, सी के बिल्कुल बॉटम में जाके सेटल हो गए। वहाँ पर सैंड, क्ले कलेक्टेड होता रहा, डिपोजिशन होती रही, वहाँ पर इकट्ठे होते रहे और वहाँ लेयर पर लेयर बनती रही। ठीक कि कहाँ, समुद्र के बिल्कुल तल में, ठीक है, वहाँ पर लेयर बनती रही। कभी सैंड की बन रही है, तभी कभी क्ले की बन रही है। नाउ आफ्टर दैट जो डेड ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं होगी, वहाँ होगी ही नहीं एयर प्रेजेंट, क्योंकि उसके ऊपर तो हमें लेयर बन चुकी है बहुत सारी, मिट्टी की और सैंड की। नाउ उसके बाद वहां पर टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो डेड ऑर्गेनिज्म है। क्या है, डेड ऑर्गेनिज्म है, मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ ऑन द अदर हैंड द अननोन रिजर्व्स ऑफ दिस विल लास्ट ओनली फ्यू हंड्रेड इयर्स। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द नॉन रिजर्व, जहां जहां नॉन रिजर्व्स हैं, जहां जहां रिसोर्सेज मिले हैं हमें इन सब के, ऑफ दी इन सब के विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर, कुछ 100 साल तक ही चलेंगे। ठीक है, कुछ 100 ईयर्स तक ही चलेंगे, यानी कि आने वाले 100, 200, 300, 400, 500 या फिर 1000 साल तक मैक्सिमम चलने वाले हैं, उसके बाद नहीं चलने वाले, क्योंकि उनका अमाउंट कम हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स कंटिन्यूसली उनको क्या करें, एग्जॉस्ट कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटी उनको यूटिलाइज कर रही है, दैट्स वाई वो कुछ साल ही, कुछ 100 ईयर्स तक ही चलेंगे। मोर एवर बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। अगर हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो वहां कौन सा पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। देयर यूज इज आल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग, जो इनका यूज, अगर हम इनका यूज करते हैं तो एयर पॉल्यूटेंट यानी कि हवा के अंदर पॉल्यूशन होगा, और बहुत सारी पॉल्यूटेंट गैसेस निकलेगी, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है बेटा, ग्लोबल वार्मिंग क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग करती है। मीन्स टू से पूरे पूरे ग्लोब के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। जब पूरे पूरे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ता है उसे बोल देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। नाउ इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट, इसलिए बहुत जरूरी है कि वी यूज दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, जब पूरी तरीके से जरूरत है हमें इनकी, तभी हम इन फ्यूल्स को यूज करेंगे, अदरवाइज अननेसेसरीली नहीं यूज करेंगे बिल्कुल भी। जब हमें यूज यानी कि जरूरत होगी तभी यूज करेंगे इन फ्यूल्स को, जब हमें जरूरत नहीं होगी तब हम इन फ्यूल्स को यूज नहीं करेंगे। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरमेंट, अगर हम इसका कम से कम यूज करते हैं तो हमारा एनवायरमेंट बहुत ही सुंदर साफ रहेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, एयर पोल्यूशन नहीं होगा, एंड स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग का भी रिस्क बहुत कम हो जाएगा, एंड अवेलेबल फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और जो मेरे पास ये फॉसिल फ्यूल्स हैं हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर लंबे टाइम के लिए क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। नाउ इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइसेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल और डीजल व्हाइल ड्राइविंग। इंडिया के अंदर PCRA है, क्या है, PCRA एक इंस्टीट्यूट है जिसकी फुल फॉर्म है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एंड एसोसिएशन। वो एडवाइस देता, हमेशा ही सलाह देता है कि नहीं पीपल को, लोगों को जो अर्थ सरफेस पर रह रहे हैं, इंडिया के अंदर रह रहे हैं, उन लोगों को क्या करता है, सलाह देता है हाउ टू सेव पेट्रोल, पेट्रोल को कैसे बचाया जाए और डीजल को कैसे बचाया जाए वाइल ड्राइविंग, जब हम ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उस टाइम पेट्रोल और डीजल को कैसे बचाया जाए। दे आर सम टिप्स, कुछ टिप्स हैं जिसकी जिसको फॉलो करके हम पेट्रोल और डीजल को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नाउ ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, जितनी दूर हमें जाना है, चाहे कितनी भी दूर क्यों ना जाना हो, हमें कॉन्स्टेंट स्पीड से चलना चाहिए, ठीक है, और मॉडरेट
यानी कि कांस्टेंट का मतलब अगर हम 40 की स्पीड से चल रहे हैं तो 40 की स्पीड से ही चलेंगे, अगर हम 100 की स्पीड से चल रहे हैं तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलेंगे, उसे कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। एंड मॉडरेट स्पीड, मॉडरेट का मतलब मीडियम स्पीड होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़्यादा स्पीड से, यानी कि स्पीड बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और स्पीड बेहद कम भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मॉडरेट बीच वाली स्पीड होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा पेट्रोल एंड डीजल मिनिमम यूटिलाइजेशन होगा। स्विच ऑफ द इंजन एंड ट्रैफिक लाइट्स, जितनी भी ट्रैफिक लाइट्स, जब भी ट्रैफिक लाइट आती हैं जहाँ पर आपको वेट करना पड़ता है तो आप इंजन को स्विच ऑफ कर दीजिएगा, और एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, जहाँ पर आपको वेट करना पड़ता है, ठीक है, करना ही करना पड़ता है वेट, वहाँ पर आप क्या करते हो, इंजन को स्विच ऑफ कर देते हो, सो दैट हमारा जो पेट्रोल और डीजल क्या हो सके, कंजर्व हो सके, बचाया जा सके। एंड श्योर करेक्ट टायर प्रेशर, आप अपने टायर प्रेशर को भी देख लीजिएगा, जो आपके व्हीकल्स हैं उनके जो व्हील है वहाँ पर जो टायर है उनके अंदर प्रेशर अच्छा खासा है कि नहीं, बेहद कम तो नहीं है, जिसकी वजह से हमारा पेट्रोल एंड डीजल ज़्यादा यूटिलाइज होगा। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, आपका जो व्हीकल है उसकी रेगुलर मेंटेनेंस हो रही है कि नहीं, कहीं उसमें कोई खराबी तो नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा डीजल एंड पेट्रोल ज़्यादा लगता है। ओके स्टूडेंट, दिस कंप्लीट योर चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5। ओके बाय, टेक केयर।